हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के सेमेस्टर 2 का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस, जिसका हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। तो देखिए, जैसा कि ICSE और CBSE बोर्ड के एग्जाम्स में क्या हुआ है कि एग्जामिनेशन 2 सेमेस्टर्स में हो रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वी आर ऑलरेडी डन विथ और नाउ हेयर कम्स द सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में जो पहली यूनिट आती है, दैट इज़ योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसिस, जिसका हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। तो इसमें देखिए, लाइट के 2 पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर वेव नेचर ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज योर फर्स्ट वन इज योर वेव ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज योर रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का पहला पोर्शन है, दैट इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसिस। इसमें हम लोग जो भी प्लेन सर्फेसिस के थ्रू रिफ्रैक्शन फिनोमेनाज होते हैं, उससे रिलेटेड सारे डेरिवेशंस अलॉन्ग विद दियर न्यूमेरिकल्स हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं एक लेक्चर नंबर 1 के साथ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन, जैसा कि बताया जा रहा है, आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन से पहले एक दूसरा टर्म है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, आप लोग जैसा कि क्लास 12th में हो तो बेसिकली जानते होंगे इस बात को, कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि द बाउंसिंग बैक, मतलब कि कोई भी चीज़, अगर जनरल रिफ्लेक्शन की बात करें तो कोई भी चीज़ अगर किसी मीडियम से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस लौट आती है, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें इसको लाइट के टर्मिनोलॉजीज में, तो क्या होगा कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे रिलेटेड 2 छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, मतलब कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और हमारे पास एक ये फर्स्ट मीडियम है, इट मे बी आपका कुछ भी ले सकते हो, एंड दिस इज योर सेकेंड मीडियम और दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक, लाइट आई, आने वाली लाइट इज कॉल्ड एज योर इंसिडेंट रे। दिस इज योर इंसिडेंट रे, और जो एंगल बनाएगी, दिस इज योर नॉर्मल लाइन। जो एंगल बनाएगी, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो टकरा के सेम मीडियम में बाउंस कर गई, तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो पहला एक छोटी सी थ्योरम आप लोग लिख लीजिए कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब अगर लाइट इंसिडेंट हुई है नॉर्मल से 30 डिग्री पे, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू अ 30 डिग्री एंगल। मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ए नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों ही एक प्लेन में लाई करती हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक क्यूबिकल एक्सप्रेशन लेंगे, क्यूब बनाएंगे, चलिए ये हमने मान लीजिए एक क्यूब बना लिया, एक रफली हमने एक क्यूब बना लिया। अब इसके पास क्या है कि मान लो एक चारों दीवारें हो गई, चारों कॉर्नर्स हो गए, चारों प्लेन हो गए साइड वाले, और एक टॉप वाला एक बॉटम वाला। तो क्या होगा, जैसे मान लो कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस,
तो लाइट रिफ्लेक्टेड रे भी इसी सरफेस इसी प्लेन में लाई करेगी, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में, और इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में। अगर मान लो हमने ये वाला प्लेन कंसीडर किया है, अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पे होगी और नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगी। अगर हम बात करें ये साइड वाले प्लेन की, तो मान लो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो यहीं पे क्या होगी, नॉर्मल बनेगी, और यहीं पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग चाहें तो नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इसको रफ करते हैं। मैंने स्विच किया है ब्लैक व्हाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड में, तो मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी कुछ पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसकी स्पीड में, उसकी वेवलेंथ में, और उसकी वेलोसिटी। ऑब्वियसली स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज़ है, तो वेवलेंथ और उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। मतलब हमारे पास जो मीडियम मौजूद हैं वो तीन तरह के हैं बेसिकली। एक है सॉलिड मीडियम, दूसरा है आपका लिक्विड मीडियम, और तीसरा है आपका गैसियस मीडियम। ठीक, अब मीडियम की दो फर्दर कैटेगरीज हैं, एक है आपका रेयरर मीडियम और एक है आपका डेंसर मीडियम। ठीक, तो देखिए डेंसर यू कैन रिलेट इट विद द डेंसिटी, दैट मींस कि अ मीडियम विच इज हैविंग इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हैं कि विच इज हैविंग इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मीडियम इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। अब यहां पे ER क्यों लगाया है, मतलब एक कंपेरेबल क्वांटिटी हो सकती है। जैसे हम लोग बात करें सॉलिड्स की बात करें, तो इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, एंड द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई एंड दे आर मोस्टली रिजिड। ठीक है, तो दिस इज द डेंसर मीडियम। अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो दे आर हैविंग सम डिस्टेंस इन बिटवीन देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेयरर। बट रेयरर व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में रेयरर है, दे आर रेयरर विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स। बट अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। सो अब यहां पे बात देखने की है कि अगर हम लिखते हैं सॉलिड और फिर लिखते हैं लिक्विड और फिर लिखते हैं गैसेस, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को बात करें तो क्या होगा, सॉलिड इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, बट अगर इन दोनों के रेफरेंस में बात करें तो लिक्विड इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू गैसेस एंड गैस इज रेयरर टू ऑल। ठीक है, तो समझ में आ गया, अगर हम बात करेंगे सॉलिड और लिक्विड की तो क्या होगा कि सॉलिड विल बी द डेंसर मीडियम एंड ऑब्वियसली द अदर विल बी, दैट मींस लिक्विड विल बी योर रेयरर मीडियम, और अगर लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो लिक्विड विल बी कंसिडर्ड एज द डेंसर मीडियम एंड गैस विल बी कंसिडर्ड एज अ रेयरर मीडियम। तो ये बात समझनी होगी हमको कि कौन सा मीडियम किसके रिस्पेक्ट में डेंसर है। ठीक है, लिक्विड इज नॉट ऑलवेज अ डेंसर मीडियम या लिक्विड इज नॉट ऑलवेज अ रेयरर मीडियम, इट डिपेंड्स कि विद विच रिस्पेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। इफ द रिस्पेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू गैस देन लिक्विड इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू गैस, एंड इफ वी टेक द रेफरेंस पॉइंट एज सॉलिड देन लिक्विड इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लें आप लोग। तो एक कॉमन सा
फैक्ट है, जब जो कि साउंड के फिनोमिना का उल्टा है जस्ट, जैसा मतलब कि आपका, जैसे आपने सुना होगा कि साउंड ट्रेवल्स, अगर साउंड की बात करें तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसके लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मींस कि स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो क्या थी, मैक्सिमम इन सॉलिड देन इन लिक्विड देन इन गैसेस, ठीक, या कह सकते हैं आपका एयर, यहाँ पे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। और फिर बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, इसके साथ उल्टा है, मीडियम जितना रेयर होगा उतना ही इनके लिए आसानी है, मतलब गैस या कहें एयर या कहें वैक्यूम, ठीक है। तो इनकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा गैस एयर या वैक्यूम में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर इसके बाद सॉलिड में, ठीक। तो चलिए पहला हम लोग फिनोमेना बात करते हैं, लाइट गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो क्या करते हैं, एक हम ऐसे बनाते हैं, एक बाउंड्री बना दिया विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, फर्स्ट वन, दिस इज योर फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज योर सेकेंड मीडियम, एंड दिस इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम एंड दिस इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नाउ वी विल ड्रॉ द नॉर्मल लाइन, थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10th में, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट आई, तो ये आपकी ऑब्वियसली इंसिडेंट रे है, इसको आई कर दो, ठीक है। अब इसको जाना कैसे चाहिए था, अगर कोई मीडियम इंटरेक्शन ना, कोई मीडियम इंटरप्शन ना होता तो ये स्ट्रेट निकल जाती, लेकिन एज देयर इज अ चेंज इन मीडियम, यहां पे इसके लिए रास्ता आसान था। तो याद रखिएगा, रेयरर से डेंसर जाएगी अगर लाइट, तो लाइट स्लोज डाउन, क्या होता है, हल्की धीमी हो जाती है, लाइट धीमी होगी और बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरह, मतलब कि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इन स्पाइट ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दिस विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, तो हम लोग थे कि लाइट जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ा सा स्लो हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ आपका ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन I इज इक्वल टू के टाइम साइन R। तो यहां से क्या आया कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू K, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टेंट, और ये इसी को बोलते हैं हम लोग N, और इसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, रिफ्रैक्टिव, अभी इसके बारे में हम लोग तफसीर से पढ़ेंगे। यहाँ पे रखते हैं जहाँ जा रही हो और यहाँ पे रखते हैं जहाँ से आ रही हो, या एक और चीज़ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला यहाँ रखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला राइट साइड में, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला मीडियम लेफ्ट साइड में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला राइट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो पहला केस हमने पढ़ लिया जो कि बहुत आसान था, दैट मीन्स कि इट वॉज लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो दूसरा है डेंसर टू रेयरर, तो इस केस में क्या होगा, लाइट स्पीड्स अप, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं भाई इस चीज को कैसे हो रहा है। इसको जाना कैसे चाहिए था,
ठीक, तो ये क्या होगी, लॉ नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। इतना नोट करें आप लोग, तो फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि n 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक। अगर कहे कि n, इसको पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि एन जी डब्ल्यू मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और अगर लिखते हैं ग्लास, तो क्या ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम लिखते हैं, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इतना आप लोग नोट करें पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भाई हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था, स्नेल्स लॉ में पढ़ा हमने क्या कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एन टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम मतलब सेकेंड मीडियम, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग करते हैं कि अगर हम बात करें एन जी डब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर हम कहें कि ग्लास एयर दिया, क्या होगा ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। चलिए एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे सीख लेते हैं जो काम आएगी, कि अगर मान लो दिया है कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ये चीज़ें अगर हमें रिवर्ट करनी है, मतलब दिस इज़ क्या, दिस इज़ वॉट, राइट साइड पहले पढ़ते हैं लेफ्ट साइड बाद में, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है। नाउ वी वॉन्ट, इफ वी वॉन्ट कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाए, तो इसी को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि n वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया हुआ है 4/3, तो आपको n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब कि 3/4, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी चीज को हम एयर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कि मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट विद रिस्पेक्ट टू द एयर, तो क्या होगा,
राइट वाला विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन लेफ्ट वाला विद रिस्पेक्ट टू एयर, और कुछ भी ना लिखो। अगर केवल लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये बात कॉमन सेंस की है कि विद रिस्पेक्ट टू एयर ही दिया होगा, मतलब कि n और ये छोटा सा w लगा दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हुआ इसका मतलब। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हुआ अगर, तो क्या मतलब हुआ कि इट इज डेफिनेटली विल बी विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो क्या लिखेंगे, या कुछ भी हो तो क्या लिखेंगे, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाई ग्लास विद रिस्पेक्ट। एक छोटा सा और कर लो फाइनल एग्जाम्पल, 2:1 है और दिस इज नॉट कन्फर्म कि फर्स्ट मीडियम आपका एयर ही होगा, मान लो किसी और के टर्म में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर ना मैंशन करना हो तो मत करिए, क्योंकि अगर मैंशन ना होगा तो इट विल बी ऑब्वियस दैट द गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विद रिस्पेक्ट टू द एयर। मतलब अगर कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज कोई वैल्यू, ठीक, तो दैट मीन्स कि दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डेफिनेटली द विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। अगर मान लो दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस, तो मतलब क्या होगा कि अगर किसके रिस्पेक्ट में है ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि दैट विल बी डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू द एयर, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करें पहले। पॉज करके भी नोट कर सकते हैं वीडियो। एक छोटा सा आप लोगों के लिए नोट्स है कि दी वेवलेंथ स्पीड डज नॉट चेंज does not change does not नहीं change हो आपकी the wavelength speed of light changes when light goes from one medium to the other medium, but frequency does not change. क्या चेंज नहीं होता? Because frequency depends upon the source of light. Light का source क्या है वहां से depend करती है। ये ऐसे change नहीं होती कि light एक medium से दूसरे medium में जाए। तो इसको समझते ऐसे हैं कि the wavelength and speed of light changes when light goes from one medium to another medium, मतलब कि light की wavelength और speed change हो जाती है जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है, लेकिन उसका एक parameter है that is your frequency, ये change नहीं होती जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है। इसकी वजह क्या है कि light always the frequency of light depends upon the source of light, ठीक है, तो medium पे depend नहीं करता। तो चलिए एक इसको note करें आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक्स, एक क्रिटिकल एंगल और दूसरा टॉपिक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए आज समझते हैं व्हाट इज क्रिटिकल एंगल।
क्रिटिकल एक बात याद रखिएगा इन दोनों फिनोमेनास के लिए कि बोथ अकर्स ओनली एंड ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तभी ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्रिटिकल एंगल से। ये मान लो नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है आपकी, इससे सारे एंगुलर मेजरमेंट्स होंगे एंगल के। ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम। तो क्या बताया है कि चाहे क्रिटिकल एंगल हो चाहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही फिनोमेनास कब होंगे? जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि हमने डेंसर मीडियम में एक लाइट को इंसिडेंट कराया, ये एंगल आपका सिंपल सा था आई, ठीक। तो सीधा जाने के बजाय ये क्या होगी, हल्का सा बेंड हो जाएगी, कॉमन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या होगा, लाइट थोड़ा सा और इधर शिफ्ट होगी, ठीक। फिर हमने क्या किया कि और बढ़ाया तो लाइट, आप गौर करिए कि देखिए प्लेन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, तो और बढ़ाया तो क्या होगा कि लाइट और करीब आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही हम एंगल बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, मान लो ये बढ़ाया तो लाइट क्या होगी, लाइट विल स्टार्ट ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस, टू द सरफेस एंड 90 डिग्री विद नॉर्मल। नॉर्मल से कितना बनाने लगी देख सकते हैं आप अच्छे से। तो ये जो एंगल था ये 90 डिग्री हो गया, और यहां से पूरा ये लाइन का एंगल क्या हो गया, सी फॉर, यहां पे कैट नहीं है, यहां सी से क्या है, क्रिटिकल एंगल है। सी से क्या है, यहां पे क्रिटिकल एंगल। तो इसको समझते ऐसे हैं कि क्रिटिकल एंगल के बारे में कि क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल इन द डेंसर मीडियम व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्लेक्टेड या फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, ठीक। तो क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में वो इंसिडेंट एंगल है लाइट का जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइट रेयरर मीडियम में सरफेस के पैरेलल हो जाती है, या कहें कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम। ठीक, तो क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंस एंगल होगा यहां पर ना,
क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इन रेयरर इज फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री इन द रेयरर मीडियम। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें होगा कि व्हेन द लाइट रिटर्न्स बैक टू द डेंसर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन टोटल आप गौर से देखिए, ऐसे थी लाइट, लाइट ये जा रही थी, इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या थी, ये थी। इंसिडेंस एंगल बढ़ाया तो रिफ्लेक्टेड रे इसके तरफ और आ गई, एक ऐसा एंगल मिला कि ये इंसिडेंट रे क्या हो गई, सरफेस के पैरेलल हो गई और नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई। आप लोग देख सकते हो, ये तो क्रिटिकल एंगल था। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा आगे गए तो सारी लाइट वापस उसी मीडियम में आ गई। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन करें तो क्या पढ़ा है हमने कि साइन आई अपॉन आर इज इक्वल टू आपका होता है एन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आई के लिए क्या इधर क्या रखते हैं, जो एंगल जहां पे इंसिडेंस हो रहा हो। इस मान लो ये लिखते हैं हम लोग, ये आपका मान लो कि चलो इसको हम देते हैं सेकेंड मीडियम का नाम और इसको देते हैं फर्स्ट मीडियम का नाम। तो यहाँ क्या होगा फर्स्ट, यहाँ क्या होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ क्या रखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ क्या रखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में हो रहा है, सेकंड मीडियम में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, फर्स्ट मीडियम में। यहाँ क्या रखेंगे, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेकेंड मीडियम में है। और यहाँ क्या रखते हैं, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा हो। ठीक, तो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन आई, आई क्या है आपका सी के बराबर है, यहाँ लिखो आई बराबर सी, साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। तो यहाँ से आपको एक फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्या मिला कि साइन सी इज इक्वल टू एन वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक, तो अगर टू विद रिस्पेक्ट टू वन करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, अगर मान लो ग्लास से एयर में जा रही थी, इफ से फॉर, तो आपका साइन सी कितना आ जाएगा, वन अपॉन एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 2 में। सो थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग द चैनल।